हाय एवरीवन, आज द फूड फाइल्स में बन रहा है कच्चे आलू और सूजी से यानी रवा से इससे झटपट से बनने वाले ये नाश्ता जो कि क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। अब यहाँ पर देखें, मैंने कच्चे आलू को ग्रेट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी बिल्कुल रिलीज कर लिया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस तरीके से करना है। और अब यहाँ पर देखिए, एक कप मैंने सूजी यानी रवा लिया है। आप मोटी वाली लें या महीन वाली लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी के मेज़रमेंट से ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे देखिए, इसे एक कप मैंने सूजी लिया है तो इसे प्याले में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसी कप से दो कप पानी ऐड करेंगे कुकिंग में। तो चलिए कुकिंग में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा राई के दाने हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, ज़ीरा हाफ टी स्पून ऐड करेंगे और हींग दो पिंच ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को सीज़र कर लेंगे। सीज़र जैसे ही हो जाएगा वैसे ही उसी टाइम ही हरी मिर्च डालेंगे। मैंने दो पीस हरी मिर्च को चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसे भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इन सारी चीज़ों में। और इसे में कड़ी पत्ता मैंने 8 से 10 लीफ मैंने लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया था, इसे भी सॉटे कर लेंगे इन सारी चीज़ों में। और ये बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और अब मसाला ऐड करेंगे, मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से कम है थोड़ा सा, अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हाफ टी स्पून। और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लें ताकि मसाले जले नहीं। अब यहाँ पर पानी ऐड करेंगे दो कप, एक कप रवा है तो दो कप पानी। अब जैसे ही पानी जो है बॉयल में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने चिल्ली फ्लेक्स यूज़ किया है, अगर आप लाइक करें तो इसमें डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चिल्ली फ्लेक्स का। और अब यहाँ पर उबाल आने लगा है। देखिए अब आलू के जो लच्छे मैंने ग्रेट करके जो रखे थे अब इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसे 50% जो है इसे कुक करेंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ये 50% कुक हो चुके हैं, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा उबाल आने लगा है, इसी से खुशबू भी आने लगी है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सूजी जो है थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें ऐड करेंगे, एक बार बिल्कुल नहीं डालें नहीं तो लम्स गाँठे जो है बनने लगेंगी। जल्दी जल्दी जो है अपने हाथों को चलाते रहें और इसे मिक्स करते हुए इसे रवा को इसमें डालते हुए चले जाएं, अच्छे से स्टर करते हुए रहें। इस तरीके से आप मिक्स करते हुए चलें इस तरीके से, नहीं तो गाँठे लग हो जाती हैं। और थोड़ा सा फ्रेश धनिया की लीफ ऐड कर दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लें, नहीं तो तुरंत ठीक हो जाएगा, सूजी जो है बहुत जल्दी ही जम जाती है, इसलिए गैस का फ्लेम लो करके ही सारा प्रोसेस करें। ये देखिए बहुत अच्छा सा, ये देखिए इतना ही हमें ठीक रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब गैस को ऑफ कर दें और अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक प्लेट में करें या ट्रे में करें, अगर आपके पास केक वाली टीन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ट्रे पे कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं और अब जितना भी बैटर है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ज़्यादा बैटर है, मेरा जो है ये थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया था, मैं थोड़ा सा प्लेट में भी इसे निकाल रही हूँ और इसे थोड़ा सा इसमें निकाल रहे, इस तरीके से आप फैला ले इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, इससे तो नहीं होगा, शेप नहीं आएगा, तो आप क्या करें, एक प्याले में ग्रीस कर लें ऑयल को और इस तरीके से आप प्रेस करते हुए इसे अच्छे से सेटिंग कर लें। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है इस तरीके से प्याले से। और ये देखिए साइड से इस तरीके से आप कर लें और किचन टॉप पर इसे आधे घंटे के लिए इसे आप छोड़ दें, उसके बाद ही आप इसे निकालें। देखिए आधा घंटा हो चुका है तभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा से ये अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कट कर लिया मैंने चाकू से सारे चारों साइड से ताकि इजीली ये निकल सके, इस तरीके से टैप कर ले पीछे साइड से और ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है इस तरीके से, ये देखिए बहुत अच्छे से निकल गया ना। और अब इसके कट कर लेंगे, आपको जैसा पसंद है आप वैसा कट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर पीस भी आप इसको रखना चाहते हैं तो आप स्क्वायर में रख सकते हैं, ट्रायंगल में रखना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल में कर ले। देखिए मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से
कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर से देखिए बीच से भी मैं कट करके आप दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप कट कर ले, बिल्कुल बर्फ़ी के जैसा लग रहा है ना, बहुत ही टेम्प्टिंग और बहुत ही इसका फ्लेवर अमेजिंग आता है। ये देखिए इस तरीके से आप करके सारे पीसेस को आप कट करके रख ले पहले इस तरीके से। ये देखिए मैंने सारे पीस को कट कर लिया है, बहुत ही थिक सा जम भी गया है। और अब इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे चलेंगे, इस तरीके से आप कर ले। और मैंने ऑयल रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, तो चलिए चलते हैं फ्राई करने के लिए। और इसमें एक एक पीस करते हुए आप डालते हैं, जितने कढ़ाई में आपके स्पेस है उतना ही डालें, बस इस तरीके से आप डाल दें और इसे आप छोड़ दें। ये फ्राई जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पे करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पका करके डाली है, हमें अंदर से कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे हमें कलर देना है और क्रिस्पी करना है और बस इतना ही करना है। बस इसे अलटते पलटते इसे फ्राई कर लें, बहुत ही अच्छा। ये देखिए मेरी जगह थी थोड़ी सी, तो मैंने एक और इसमें डाल दिया ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए एक साथ। और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है, ये देख सकते हैं, देख करके ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना ही क्रिस्पी ये बना है और टेस्टी तो मत पूछिए। इस तरीके से अगर आप एक बार आप बनाएं तो उसके बाद आप दोबारा ज़रूर से बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना, बस इस तरीके से करते हुए निकाल लें और जितने भी हैं आप उसी को फ्राई करके आप इस तरीके से आप निकाल लें और सर्व कर लें। मैं यहाँ पर मेयोनीज के साथ सर्व कर रही हूँ, आपके पास टोमेटो है तो आप टोमेटो के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ही क्यूट बन जाता है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। फिर मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।